Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Shah Fashion Valley. If you are new here, please take a moment to subscribe. आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट पैटर्न की एक फ्रॉक, जिसके लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर का कपड़ा है, ये कॉटन का है. डिटेलिंग के लिए मैंने चिकनकारी टाइप की लेस ली है और लेस मुझे नहीं पता कितनी है. फ्रंट के लिए 3.5 और 3 साढ़े 3 का गला है और बैक के लिए सेम ये 2.5 और 3.5 का गला मैंने कट किया है, ये बुकरम है. उसके अलावा फ्रॉक का पैटर्न मैं आपको इसमें समझा देती हूँ. फ्रॉक की जो शोल्डर होंगे 14 इंच होंगे, बट जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, छोटा गला है, तो हम इसको यहाँ हल्का सा क्रॉप ही रखेंगे ताकि वो फिटिंग प्रॉपर आए. उसके अलावा फ्रंट का नेक 3 साढ़े 3, बैक का नेक 2.5 इंच का, चेस्ट 33 इंच, सीना वेस्ट 26 इंच की होगी यहाँ कमर. उसके अलावा हिप यहाँ पे हिप का मेजरमेंट वैसे लगेगा नहीं, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा. अगर आप नीचे तक की फिटिंग चाहते हैं तो आप हिप का मेजरमेंट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं. बाजू की लंबाई होगी 9 इंच, बाजू की जो गोलाई है वो भी 9 इंच है. टोटल जो लेंथ है वो फ्रॉक की 42 इंच. और क्योंकि जो ये बस्ट है 33 की बस्ट है प्लस ये डाउन नहीं है, तो हम 9 इंच पे लगाएंगे. अगर आप बड़ी बस्ट का प्रिंसेस कट पैटर्न बना रहे हैं तो आपको ऊपर से 10 इंच लेना पड़ेगा. ये मैं कटिंग करते हुए बता दूंगी. यहां से फ्रॉक ऐसे कटेगी, खुलेगी, मतलब कट यहाँ लेस होगी, ये जो मैं गाढ़ा कर रही हूँ ना, यहाँ लेस होगी और ये पूरा बेस कपड़ा होगा और पीछे ये जोड़ नहीं होगा, पीछे स्ट्रेट होगा. सबसे पहले मैं इसमें पीछे वाली कटिंग करूंगी. उसके लिए मैं कपड़े को एक कॉर्नर से डबल फोल्ड करना शुरू करती हूँ. फिलहाल कपड़े को मैंने एक कॉर्नर से, ये एज है, विथ में ऐसे फोल्ड किया है. मैंने अंदाजन किया था ये है 16 इंच अप्रॉक्स. यहाँ से मैं कट करूंगी पीछे वाला पार्ट, मतलब जो पीछे 7 इंच डाउन आर्म होल के लिए. यहां से मैं पहले 7 इंच का बॉक्स बना लेती हूँ, फिर यहां से 1/2 इंच ऐसे हल्का अंदर हल्का बाहर और ऐसे. ये तो हो गया आर्म होल, ये हो गया 1/2 इंच डाउन ऊपर, यहाँ 7 इंच 7 इंच, आधा अंदर आधा बाहर इधर भी. अब जो मेरी मेजरमेंट है वो है 8 8 चौक 32 32 का सीना प्लस 2 इंच का मार्जिन और यहां से 14 इंच. अब यहां लगाऊंगी मैं कमर का निशान और उसके बाद मैं इसको ऐसे स्ट्रेट निकालूंगी. 7 चौक 28 कमर का निशान प्लस 2 इंच की लूजिंग, तो ये मेरी फिटिंग वाली लाइन, ये मेरी एक्स्ट्रा वाली लाइन. अब यहां से जितना मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है मैं इस वाली लाइन को वहां से मिला देती हूँ ऐसे. ये लेंथ है मेरी 43 42 का, मेरे को रेडी चाहिए और 43 इसकी है, 1 इंच के नीचे फोल्डिंग है. बस मैं ऐसे करके, ये हो गया मेरा पीछे वाला पार्ट, ऐसे करके मैं ये पूरा स्ट्रेट कट जाएगा, ऐसे करके इसकी कटिंग करनी है. ये हो गया बैक पार्ट. ये मैंने जो बैक वाला पार्ट था उसकी कटिंग कर ली है. अब इसको मैंने रखा है ये बेस पे, ये यहां से डबल है, यहां से ये डबल है फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए. फ्रंट पे कलियां आनी है इसीलिए सबसे पहले मैं इसी जो बैक वाला पार्ट मैंने कट किया इसके अकॉर्डिंग ही निशान लगा लेती हूँ. इसको मैं हटा दूंगी अभी ऐसे करके. ये रफ के लिए ये आर्म होल आ गए मेरे पास, इसको मैं साइड रख देती हूँ. इस वाले में ऊपर से 5 इंच, मतलब जो आर्म होल है ना, आर्म होल पे जब वो ये चीज जो दिखेगी ना, यहां से 5 इंचेस पे आएगा ये, तो आर्म होल पे यहाँ आर्म होल ये रहा, यहाँ 5 इंचेस. और मैंने कहा था जो प्रिंसेस थिंग है वो 33 बस्ट है, तो हम 9 इंच पे लगा रहे हैं. अगर 33 से ज्यादा है, 40 है, 36 है, तो आप 10 इंच पे लगाएंगे. तो यहां से 9 इंच ये और इस साइड से 3.5 3.5 और ये 9 और ये आर्म होल से मिला देती हूँ मैं. ये है 5 इंचेस पे. इस तरीके से इसका जो है प्रिंसेस कट पैटर्न आएगा. यहां से यहां तक मैं 3.5 रखती हूँ और उसके बाद ये होगा, ये है 20 इंचेस.
यहां तक मैं स्ट्रेट रखती हूँ और उसके बाद मैं इसमें घेरा जोड़ूंगी। ये सर्कुलर, और यहां से आप जितना आपको ऐसे लेकर जाना है एक हद तक ये हो जाएगा। फिलहाल ये वाला पार्ट जो है ये मेजरमेंट हमें सेव करना है। इसके लिए मैं करूंगी ऐसा, मैंने पेपर लिया है, हल्का सा पेपर है, इस पेपर को रख के जो भी निशान मैंने लगाए हैं उसको मैं ट्रेस कर लेती हूँ और इसको मैं सेव करके रखूंगी, क्योंकि फिलहाल जो है ना ये कली वाला पार्ट हमारे पास आएगा और ये जो प्रिंसेस पैटर्न है वो उठा के हम लगाएंगे वहां उस साइड नीचे की साइड, और यहां से ऐसा प्रिंसेस कट में घेरा आएगा। अप साइड डाउन करना है इसीलिए ये वाली चीज मेरी सिक्योर हो जाए, मुझे ये संभाल के रखनी है। यहां से 43 इंच ऐसे मैं लंबा निकाल लेती हूँ तो ये मेरा फ्रंट पार्ट जो पहली कली हो जाएगी वो रेडी हो जाएगी। ये हो गया। अब इस वाली चीज को जो मैंने कट करी थी इसको मैं लगाऊंगी अपोजिट साइड, अप साइड डाउन करके इस साइड से ऐसे टर्न किया मैंने, जिसको मैंने वहां लगाया ऐसे करके, जो ये वाला पार्ट है ना ये नाप नीचे लगाऊंगी मैं और यहां से ये ऐसे करके नीचे फैल जाएगा। मैं इसकी कटिंग पहले दिखाती हूँ। तो जिस तरीके से मैंने रखा है मैंने कटिंग भी कुछ उस तरीके से करी है, यहां से सिर्फ प्रिंसेस कट और इसको इनसाइड अपसाइड डाउन करके यहां से घेरा आ गई स्ट्रेट। अब इसको मैं ऐसे ऐड करूंगी, यहां से जोड़ूंगी तो ऐसे ही घेरा आ जाएगा और जोड़ करने के बाद इसको हल्की सी ट्रिमिंग करूंगी यहां से तो ये इक्वल आ जाएगा। तो ये होगा फ्रंट पार्ट, वो होगा बैक पार्ट। इसके साथ में जो बचा हुआ कपड़ा था उससे मैंने 9 2.5 2.5 ऐसे करके बाजू कट कर ली है। फ्रंट वाला थोड़ा सा डाउन होगा। उसके अलावा मैंने यहाँ ये रेडी कर लिया है, ये होगा बैक का नेक 2.5 इंच, 3.5 3.5 का नेक। सबसे पहले मैं नेक लगा लेती हूँ, जिसके लिए ये है मेरा, ये है मेरा बैक पार्ट, इसका ये फ्रंट साइड। इसको ओपन करके इसको मैं ऐसे बिठाऊंगी यहाँ पे लगा के, बस एक सिलाई लगाऊंगी और मेरा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। सिलाई करने के लिए जो चीज मैंने बताई थी, सबसे पहले पिन से यहाँ अटैच कर लिया है पहली चीज, उसके बाद मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ एकदम बुकरम के कॉर्नर पे। अब इसको जो बीच वाले कपड़े को मैं कट करके निकाल दूंगी, जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये। मैं छोटी छोटी कट्स लगा दूंगी ताकि जो नेक है राउंड है तो वो अंदर से जो कपड़ा है वो खींचे ना और बैठ जाए। ऐसे ऐसे करके जो मेरा नेक है वो ऐसा हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद बस इसको अंदर कर दूंगी और जो मेरा नेक है वो रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फ्रंट वाले पार्ट का नेक रेडी है। अब ये वाला जो प्रिंसेस कट वाली चीज है इसको हम ज्वाइंट करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐसे पकड़ के बस सिलाई लगानी है। Thank you.
तो ये जो मेरे पीछे वाला नेक है ये रेडी हो गया, और इसी के साथ जो फ्रंट वाला नेक है मैंने प्रिंसेस कट पैटर्न ऐड कर दिया है, यहाँ पर लेस भी लगा दी है, दोनों साइड ये चीज रेडी है। अब जो मैंने कहा था ना शोल्डर्स में क्रॉप करूंगी आगे से, यहाँ से भी मैं उसको क्रॉप करूंगी, उसके लिए इसको मैं डबल कर लेती हूँ ताकि इक्वल है दोनों साइड ऐसे, और शोल्डर को क्योंकि मैंने यहाँ कट करके जोड़ा है तो इसलिए भी आर्म होल छोटे होंगे, आप चाहें तो नाप के लगा सकते हैं यहां से 7 इंचेस पे। यहां से 7 इंच मतलब इतना ही डाउन होगा ऐसे करके, इसको मैं कट करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पीछे वाला पार्ट शोल्डर से ऐड करूंगी। तो मैंने बाजू जोड़ने के बाद जो 2 इंच का मार्जिन रखा था उसको रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसी के साथ जो हमारी फ्रॉक है वो बनके रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।